रहे थे। वे लोग अच्छा नाच रहे थे या खराब नाच रहे थे ये बात नहीं है, बात ये है कि तुम्हारे जैसे भक्त बालक की रुचि नाच गाने या खेल कूद की तरफ होना उचित नहीं है बेटा। मुझसे बड़ी भूल हो गई माता। हंसी खेल हराम है, जो रंग राचा राम, माया मंदिर इस तरी नहीं भगत के काम। रे भाई नहीं भगत के काम। जंगल के राज वाली बात तो आप लोगों ने सुनी होगी। जंगल के राज का मतलब था कानून नाम की कोई चीज नहीं होती थी। इस राज में पुलिस वाले अपनी मनमानी करते थे। इसी तरह के जंगल राज के कानून की मार हुजूर साहब को 13-14 साल की उम्र में झेलनी पड़ी थी। हुआ ये था कि महाराज जी के पिताजी अपने एक पुलिस वाले रिश्तेदार का पिस्तौल उठा लाए थे और उसे घर पर छोड़कर भाग गए थे। उस चक्कर में पुलिस ने महाराज जी को पकड़ लिया था और पुलिस वाले महाराज को ऊंटों के पीछे बांधकर पैदल ही गांव से हिसार तक ले गए थे। इस विपत्ति की घड़ी में महाराज जी ने ईश्वर का ही सहारा लिया और राम का नाम लेते हुए हिसार पहुंचे थे। हिसार पहुंचने पर बड़े अधिकारी ने बालक ताराचंद को देखकर अपने माताहतों को डांटते हुए कहा, अरे मूर्खों, इस बालक को क्यों ले आए? इसी के बाप ने वो पिस्तौल उठाया था हुजूर। अरे तो बाप को लाना था ना, इसे क्यों ले आए? जाओ इसे छोड़ाओ और इसके बाप को ढूंढ कर लाओ। इस तरह राम के नाम ने ही उस मुसीबत की घड़ी में महाराज जी का साथ दिया। सतनाम सबसे बड़ा, पांचों में सरदार, तारा चंद सिमरन करे बेड़ा हो जा पार। ओ भैया बेड़ा हो जा पार। हुजूर ताराचंद जी महाराज का बचपन व लड़कपन बड़े ही कष्टों व अभावों में गुजरा। पहनने के लिए अच्छे कपड़े न होने के कारण गांव के लोग हुजूर साहब को सत्संगों व बैठकों में अपने साथ बैठाने से कतराते थे, परंतु पहुंचे हुए संतों की नजरों ने कीचड़ में खिलने वाले इस कमल को पहचान लिया था। बाबा श्याम सुंदर दास जी ने हुजूर महाराज जी को पहली बार देखते ही कहा था, ये लड़का अपने समय का परम संत है, बहुत बड़े बड़े आदमी इसकी शरण में आएंगे। अपने मुल्क में ही नहीं दूसरे मुल्कों में भी जाकर ये सतनाम का डंका बजाएगा। हालांकि ये बात बालक हुजूर साहब ने भी सुनी, मगर उन्होंने इस पर गहराई से ध्यान नहीं दिया और अपनी गायों को लेकर खेतों की तरफ चल दिए। अभावों के दिनों की एक घटना ने महाराज जी के दिल पर बहुत गहरा असर किया था। हुजूर साहब स्वयं तो सूखी रोटी पानी के साथ घूंट घूंट कर खा लेते थे, परंतु अपने पिताजी के लिए वो कहीं न कहीं से छाछ का बंदोबस्त अवश्य करते थे। मगर एक दिन इनकी हालत देखकर इनकी पड़ोसन ने इन्हें छाछ का एक कतरा भी नहीं दिया और सारी छाछ एक औरत को दे दी। यही नहीं, उस पड़ोसन ने महाराज की बांह पकड़कर वहां से भगा दिया। इस घटना को महाराज जी आजीवन नहीं भूल पाए और बाद में उन्होंने अपनी इस व्यथा को इस तरह एक दोहे के रूप में व्यक्त किया। ताराचंद गरीब को मिली न मांगी छाए, दया हुई गुरुदेव की, चरणामृत ले ले जाए। रे भाई चरणामृत ले ले जाए। हुजूर महाराज जी की अपनी जिंदगी भले ही अभावों में गुजर रही थी, परंतु इसके बावजूद इनका दिल बड़ा ही संवेदनशील था। बचपन में अपनी दादी द्वारा पाई शिक्षा इन्हें अच्छी तरह याद थी। हुजूर महाराज जी स्वयं भूखे प्यासे रहकर भी पशुओं पक्षियों वृक्षों व मनुष्यों का ख्याल रखते थे। गर्मियों के दिनों में जब पशु पक्षियों के लिए सारे क्षेत्र में दाने पानी का कहीं नामो निशान भी नहीं रहता था, उस समय हुजूर महाराज जी 4-5 किलोमीटर पैदल सर पर घड़ा लेकर पशु पक्षियों के लिए डाबर जोहड़ में पानी लेकर जाते थे। इसके अलावा अपने लिए पकाई गई रोटियों में से कुत्ते बिल्लियों को खिलाते थे। ये सब हुजूर महाराज जी की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। भले लोग संसार में अमृत रूपी
खान उनके दर्श और परस से होती खुशी महान रे भाई होती खुशी महान। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते हुजूर महाराज जी अपने पिता व अपने जीवन यापन के लिए नौकरी करने लगे। एक बार इन्हें भिवानी अस्पताल के एक डॉक्टर के यहाँ काम करने का मौका मिला। इंसान काम चाहे जहाँ भी करे वो अपनी अच्छी या बुरी आदतें नहीं छोड़ता। हुजूर महाराज जी ने कभी भी सत्य और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि एक बार जब डॉक्टर साहब सपरिवार पंजाब गए तो अपनी दुधारू गाय की देखभाल का जिम्मा हुजूर महाराज जी पर छोड़ गए। जब तक वो वापस आए हुजूर साहब ने गाय के दूध से 5-6 किलो घी निकालकर जमा कर लिया था। डॉक्टर साहब की अनुपस्थिति में हुजूर साहब ने दूध तो क्या छाछ की एक बूंद तक का अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया था। डॉक्टर साहब हुजूर की ईमानदारी व उनके व्यवहार से बेहद खुश थे। महाराज जी का भी यहाँ काम में मन लगा हुआ था, परंतु एक दिन डॉक्टर साहब के यहाँ पार्टी में मांस बनने के कारण महाराज जी ने यहाँ की नौकरी छोड़ दी। मांस आहारी मानवा परतक्ष राक्षस अंग ताकि संगति मत करो परत भजन में भंग रे भाई परत भजन में भंग। डॉक्टर साहब की नौकरी छोड़ने के बाद महाराज जी को फिर से मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि महाराज जी ने 3 दिन तक भूखे रहकर मिट्टी के टोकरे डाले, परंतु पैसे के लालची लोगों ने इनकी मेहनत के पैसे नहीं दिए। तब महाराज जी को अपने पेट की आग शांत करने के लिए एक साधु के दिए भुगड़े खाकर पानी पीना पड़ा, जिसका अभूतपूर्व स्वाद उनको जीवन पर्यंत याद रहा। साधु वही साधन करे साधे तन और मन तारा चंद साधन करे उपजे लाल रतन रे भाई उपजे लाल रतन। क्या आप सोच सकते हैं कि 13-14 साल के बालक ने केले का स्वाद ही न चखा हो? ये सच है। एक दिन महाराज जी बागपुर जाने के लिए खरक से तांगे में बैठे थे। उस तांगे में ही केलंगा का एक राजपूत टोकरी में केले लेकर जा रहा था। टोकरी में सुराख देखकर महाराज जी ने उंगली डालकर 2 केले निकाल लिए और चादर में छुपा लिए। महाराज जी की ये पहली चोरी थी। महाराज जी अगर चाहते तो चादर में छुपाकर केले खा सकते थे, मगर उसी वक्त उन्हें एक कथा याद आ गई जिसमें अर्जुन को बाजरे की एक सिरटी तोड़कर खाने के बदले 12 वर्ष तक जमींदार की सेवा करनी पड़ी थी। महाराज जी ने उसी वक्त वो दोनों केले उस आदमी को वापस कर दिए और जिंदगी में कभी भी चोरी न करने की कसम खाई। देता है लेता नहीं उसको सतगुरु मान करे कमाई हाथ से लेता नहीं है दान रे भाई लेता नहीं है दान। हुजूर महाराज जी को बचपन से ही साधु संतों की संगत पसंद थी। एक बार गांव में झोझू के ब्राह्मण दंडी स्वामी पधारे। महाराज जी की इच्छा उनको भोजन कराने की हुई तो वो साधु के पास गए। महाराज मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। बच्चे हम दंडी स्वामी हैं। हम तो सिर्फ 2 घरों का भोजन स्वीकार करते हैं। किन किन का महाराज? एक तो ब्राह्मणों का और दूसरा बनियों का। मैं आपके लिए ब्राह्मणों के घर पर ही भोजन बनवा दूंगा। तब ठीक है, हम तेरा प्रसाद अवश्य स्वीकार करेंगे। साधु के मुंह से इतनी बात सुनकर महाराज जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज जी ने सैला चुककर 15 किलो के आसपास चने इकट्ठे कर रखे थे। इन्हें बेचकर गेहूं का आटा सब्जी घी व मीठा आदि खरीदकर एक ब्राह्मण के घर दंडी स्वामी के लिए भोजन तैयार कराया। स्वामी जी ने भोजन किया मगर रोटी का